एक साथ प्रयोग करेंगे। योगी चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अखंडं मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता शिपिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अपने सुंदरों पर भाषण करेंगे, नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे। आज मैंने फ्लायर बनाया था, उसमें लिखा था मैं आपको पवन मुक्तासन की सीरीज करवाने वाली हूँ, तो आप एक मैट बिछा के नीचे लेट जाएंगे। ये जो सीरीज है इसका इम्पोर्टेंस भी बताती जाऊंगी मैं आपको, क्या इम्पोर्टेंस है। जो वात रोग होता है, जो गैशियस ट्रबल होता है, उसको खत्म करने के लिए ये सीरीज होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए होता है। जिनके भी डाइजेशन में प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, उसके लिए ये सीरीज होती है। सबसे पहले हम करेंगे सीरीज नंबर 1। ठीक है, सीरीज नंबर 1 में आप इस तरीके से ऐसी मैट बिछा लेंगे लंबी, और उसके ऊपर प्रारंभिक स्थिति में आप बैठेंगे ऐसे। ये हम रोज ही करते हैं एक्चुअली, पर ये क्या है ये आपको अभी तक मैंने बताया नहीं था। बताया है बहुत पहले जो पुराने मेंबर्स, उंगली नमन, एक एक उंगली को ऐसे अंदर डालेंगे बाहर करेंगे। अब हमारी एनर्जी, जो हमारा एनर्जी का प्रवाह है वो रुक जाता है, उसको खोल रहे हैं पाद उंगली नमन करेंगे। हमारा ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा इससे। आप गुल्फ नमन एंकल बेंडिंग, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, इस तरीके से डीप इनहेल, पीछे लेके जाएंगे पैर को, आगे लेके जाएंगे एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लीजिए छोड़िए। हर एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, थोड़ा सा आरामदायक वर्कआउट है जो हर एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, गुल्फ चक्रण, इस तरीके से एंकल जॉइंट को घुमाएंगे।
का चक्रण करेंगे, यानी एंकल दोनों ज्वाइंट को रोटेट करेंगे। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट एंड एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट एंड एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। जब पैर को ऊपर ले जाएंगे सांस लीजिए, पैर को नीचे ले जाएंगे सांसों को छोड़िए। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड। अपोजिट साइड, इनहेल एंड एक्सहेल। अब ये पैर को उसके ऊपर रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण रोटेट योर लेग्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। डीप इनहेल अप एंड डीप एक्सहेल डाउन। अपोजिट साइड, यहाँ पे जो है गैस जमा है इसको निकाल रहे हैं, बात को खत्म करने वाला पूरा सीरीज है ये। कम से कम 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से। सेकेंड लैग, दूसरा लैग रखेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। सांस लीजिए एंड सांस छोड़िए। सांस लीजिए, ऊपर पैर लाइए, सांस छोड़िए नीचे पैर। अपोजिट साइड, अब दोनों पैरों को सीधा करके नीज को श्रिंक करिए और एक्सपांड करिए। जानु फलक आकर्षण बोलते हैं इसको, जानु फलक आकर्षण। मतलब नीज को कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, नीज को कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया। दिख रही है आपको मेरी नीज कॉन्ट्रैक्ट होती हुई? नीज को कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जानु फलक आकर्षण। जानू नमन, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। और ये पैर को नीचे नहीं रखना, ये पैर को नीचे नहीं रखना। आप देखिए, ये पैर मेरा सीधा जा रहा है, ऊपर आ रहा है, धरती पर नहीं रखा है। लेफ्ट लेग से शुरू करेंगे, जानू नमन, नी बेंडिंग। नी बेंडिंग, जानू नमन। पेट के पास लेके आएंगे थाइस को, सांस छोड़ेंगे, रिलीज। यस, कम से कम 10 बार इस पैर को करेंगे और 10 बार उस पैर। जब पैर को स्ट्रेट करेंगे तो सांस लेंगे, जब पैर को एब्डोमेन से क्लोज करेंगे तो सांस छोड़ेंगे। इनहेल वाइल स्ट्रेटनिंग द लेग्स एंड एक्सहेल वाइल बेंडिंग द लेग्स। इनहेल वाइल स्ट्रेटनिंग द लेग एंड एक्सहेल वाइल बेंडिंग द लेग। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, सांस लीजिए एंड सांस छोड़िए। सेकेंड लैग, जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स रहते हैं, स्पेशली ये वर्कआउट उनके लिए है, हाई बीपी वालों के लिए। और जितने भी मेंबर्स ऐसे हैं जिनको गैसियस ट्रबल हो रहा है, गैस बन रही है, अपान वायु ऊपर जा रही है, पेट में हलचल बनी हुई है, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, इंटरस्टिशियल बॉबल सिंड्रोम हो रहा है, बार बार मोशन हो रहा है, सब तरीके की समस्या का एक ही निदान है, पवन मुक्तासन सीरीज 1 2 3। अभी ये 1 कर रहे हैं हम लोग,
इनहेल वाइल स्ट्रेटनिंग द लेग एंड एक्सहेल वाइल बेंडिंग द लेग्स, इनहेल वाइल स्ट्रेटनिंग द लेग एंड एक्सहेल वाइल बेंडिंग द लेग्स। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ज्वाइंट को भी हील करता है ये, आपके ज्वाइंट को भी हील करता है। अब जानू चक्रण करेंगे, इस तरीके से गोल घूमने को कहते हैं। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट एंड एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। जब पैर ऊपर जाएगा सांस लेंगे, पैर नीचे जाएगा सांस छोड़ेंगे। पैर ऊपर जाएगा सांस लेंगे, पैर नीचे जाएगा सांस छोड़ेंगे। सांस लीजिए एंड सांस छोड़िए। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट एंड एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट एंड एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। अपोजिट साइड, सेकेंड लेग, दूसरे लेग से। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अपोजिट साइड, जानू चक्र, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अर्ध तितलियासन, ये लेग सीधा रखेंगे, इस लेग को इस जांघ पे रख के। ये जिन लोगों का पद्मासन नहीं लगता है वो लगने लग जाएगा। अर्ध तितली, इससे आपके नीज और हिप जॉइंट थोड़े लूज होते हैं, ठीक है। नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट थोड़े से खुलते हैं। देखिए हमारे साथ बहुत सारे मेंबर्स हैं जो पहले बैठ भी नहीं पाते थे, उनको प्रैक्टिस करवा करवा के बैठना सीख गए, क्योंकि वो ये प्रैक्टिस हमारे साथ रेगुलर करते। इसमें सांसें इरेलीवेंट होती हैं, सांसों पर फोकस नहीं करना है आपको, सिर्फ ये पैर पास में लाना है और ये पैर नीचे रखना। अर्ध तितली, जो लोग क्रॉस लेग करके नहीं बैठ पाते हैं, जो मेंबर्स आलगी पालगी नहीं मार पाते हैं, उनको ये प्रैक्टिसेस रेगुलर करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस सिर्फ मॉर्निंग में ना करें, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जो भी किया करवाया जा रहा है उसको आपको इवनिंग में रिपीट करना है, 5 to 7 के या 8 के बीच में। इवनिंग 5 PM to 8 PM आपको ये चीजें रिपीट करना है। सेकेंड लैग, जहां पर रखेंगे डाउन एंड अप, ये अर्ध तितली। अब ये पैर इधर रख के शोणी चक्रण, शोणी मतलब हिप जॉइंट, ये यहां पर रखा, इसको ऐसे रोटेट किया ही। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। शोणी चक्रण, हिप रोटेशन, अपोजिट साइड।
लैग से करेंगे, इस पैर को ऐसे रखिए यहां पर और इसको ऐसे घुमाइए, श्रोणि चक्रण हिप रोटेशन। दिख रहा है आपको? इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। सांस लीजिए, ऊपर पैर लाइए, सांस छोड़िए, नीचे पैर लाइए। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड। अपोजिट साइड। अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए ऐसे, और ये पैर इससे लगा के अपने मूलाधार चक्र के पास लेके आएंगे, यानी अपने जनन अंगों के पास लाके पूर्ण तितली आसन। ये दोनों पैर स्ट्रेट, पूर्ण तितली। जिसे तितली फड़फड़ाती है ना, बटरफ्लाई, उस तरीके से पूर्ण तितली आसन। अब इसको पूरा ऐसे दबाओ, ये प्रैक्टिस में रोज करवाती हूँ, इस दबाई। अब इसको ऐसे लेना, बॉडी को स्ट्रेट करके इस पैर को दबाते हुए आगे की तरफ चिन टच करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा प्रेशर को लीजिए, कहाँ पर? थाइस पे, आपके इनर थाइस पे प्रेशर आ रहा होगा, इसको लीजिए। बिना बटक्स उठाए चिन को आगे टच करने की कोशिश करें। रिलीज करेंगे, आराम से सुखासन में बैठे हुए। सूक्ष्म व्यायाम, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। मुष्टिका बंद, मुष्टिका बंद, सूक्ष्म व्यायाम हर एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकते। मणिबंध नमन, मणिबंध नमन। डीप इनहेल स्ट्रेच करेंगे एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अपोजिट साइड। मणिबंध नमन, मणिबंध का मतलब होता है रिस्ट, नमन मतलब आप उसको ऊपर नीचे। मणिबंध चक्रण, रिस्ट रोटेशन। अगेन इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट एंड एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। इनहेल इन द अपवर्ड मूवमेंट, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। यहां पर भी गैस हो जाती है, जिनको वात रोग होता है उनके पूरे शरीर की हड्डियों में गैस घुसती है, तो ये सारी चीजें वात रोग को खत्म करने के लिए की जा रही है। अगेन इट वर्क्स ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, चयापचय तंत्र पर काम कर रहे हैं। अगेन अपोजिट साइड, इनहेल इन इन द अपवर्ड मूवमेंट एंड एक्सहेल इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। कौन ही नमन करेंगे इस तरीके से, ये देख रही हूं मैं आपको। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। कोहनी नमन, कोहनी चक्र। यहां से एक एक हाथ को लगाइए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। टेन टाइम्स क्लॉकवाइज, अब अपोजिट साइड 10 बार। अब देखिए जो लोग, देखो क्या नाम है, रीना अंजना मैम, ऐसे ऐसे मत करिए, कान के पास से लेके जाओ उसको, पीछे लेके जाओ, मुझे सब दिख रहा है यहाँ से, है ना, कौन क्या कर रहा है, एवरीथिंग। इसको बोलते हैं रोहिणी चक्र। इनहेल इन द अपवर्ड स्ट्रोक, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड स्ट्रोक, इनहेल इन द अपवर्ड स्ट्रोक, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड स्ट्रोक। सेकेंड साइड, इनहेल इन द अपवर्ड स्ट्रोक, एक्सहेल इन द डाउनवर्ड स्ट्रोक। ये सीरीज रट लो, आपके घर में आपको भी कभी हो सकता है वात रोग, और बीपी की शिकायत तो घर में एक ना एक पेशेंट को रहती ही रहती है। लोगों के लिए बेस्ट व्यायाम है ना, तो फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है और पूरी एक्सरसाइज हो रही है। स्कंद चक्रण, अब ये होता है स्कंद शोल्डर, यहां पर लेके जाओ हाथ, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ेंगे। देखो जब मैं सांस लूंगी तो मेरा हाथ ऐसा ऊपर जाएगा, छोड़िए, ठीक है, करिए। कितना भी टाइम लगे आज ये सीरीज कंप्लीट करके मानेंगे, 46 आसन है इसमें, और अभी आप ये 15वें आसन पे हैं, 15th एक्सरसाइज बता रही हूँ, 46 करनी है टोटल। सांस लो, ऊपर हाथ करो, सांस छोड़ो, नीचे हाथ करो, सांस लो, ऊपर हाथ करो, सांस छोड़ो, नीचे, फिर सांस लीजिए ऊपर, सांस छोड़िए नीचे, सांस लीजिए ऊपर, सांस छोड़िए। चलिए नेक्स्ट, नेक रोटेशन, डीप इनहेल, यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस करिए, गुड फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट, थायराइड ग्रंथि के लिए बेस्ट। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे, होल्ड करिए, गले पे स्ट्रेच को महसूस कीजिए, आप ऐसा ऐसा चेहरा करिए, यहां पर स्ट्रेच को महसूस करिए, इस गले को यहाँ पर शोल्डर पर, स्कंद पर लगाने की कोशिश, सांस छोड़ते हुए चेहरा सीधा, सांस लेते हुए चेहरा डाउन, अगेन सांस छोड़ते हुए चेहरा सीधा, सांस लेते हुए चेहरा डाउन। अब ये चेहरे को सीधा करके लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ घुमाएंगे, ब्रह्म मुद्रा में होल्ड करेंगे, इट इज कॉल्ड ब्रह्म मुद्रा। होल्ड द पोस्चर, सांस रिलीज, वापस राइट, होल्ड द पोस्चर,
अगेन रोटेट योर नेक, इस तरीके से नेक को रोटेट करेंगे। पीछे जाएंगे सांस लेंगे, आगे आएंगे सांस को। अगेन दस बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉक। अपोजिट साइड, रिलीज। चलिए अब लेट जाइए, सभी मेंबर्स लेट जाएंगे। सीरीज नंबर टू, पवन मुक्तासन सीरीज नंबर टू। एब्डोमिनल पे काम करती है, लोअर एब्डोमिन पे काम करती है। लेट जाएंगे सभी मेंबर्स, लेट जाएंगे। उदर सिंगल लेग अप होल्ड पदोत्तानासन। इस पोस्चर पे होल्ड करिए पदुत्तानासन, सांस लीजिए, सांस को रोक के इस पोस्चर पे होल्ड करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए पैर नीचे, सेकेंड लैग पदुत्तानासन, सांस लेके पोस्चर पैरों को ऊपर करेंगे। जब पैर ऊपर चले जाए तो सांसों को होल्ड कर दीजिए, होल्ड पोस्चर। साइटिका और स्लिप डिस्क वाले लोगों के लिए वर्जित व्यायाम नीचे, ठीक है। एक बार फिर से पदोत्तानासन, पैर पर होल्ड पोस्चर, सांस रोकेंगे, रिलीज। सेकेंड लैग, सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांसों को होल्ड करेंगे एंड रिलीज। पाद चक्रासन, एक पैर को उठा के इस तरीके से गोला बनाइए, पूरा गोला। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट साइड, सेकेंड लैग पूरा क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ऐसे। इसको रोटेट करिए, इधर लेके जाएंगे, फिर वापस लेके आएंगे इधर, रोटेट करिए, इधर लेके जाइए, पूरा चक्र। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक। दोनों पैर को इकट्ठा क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे।
अपोजिट साइड। पाद संचालन, एक पैर सीधा एक पैर पाद संचालन करेंगे। अगर आपके पास डंबल हो ना तो डंबल पकड़ के पाद संचालन कीजिए तो हाथ का भी वर्कआउट हो जाएगा। इफ यू हैव डंबल, जैसे मेरे पास ये डंबल है तो डंबल पकड़ के करेंगे। नहीं है तो सिर्फ पाद संचालन करिए। पास मिलाओ एब्डोमेन के पैर, ऐसा पेट के पास लाके रिलीज। पाद संचालन, इस तरीके से। नहीं है डंबल कोई बात नहीं, सिंपल पाद संचालन कीजिए। चलाते रहो पैर, ये लोअर एब्डोमेन, आपकी वेस्ट लाइन भी कम हो जाएगी और थाइस पे भी काम होगा। अब एक लेग को सीधा रख के एक लेग से सुप्त पवन मुक्तासन, होल्ड द पोस्चर। एक ही पैर को पहले ऊपर रखेंगे ऐसे एब्डोमेन में टच करेंगे। सेकेंड लैग, दूसरा लेग उठाइए, इसको एब्डोमेन से टच करके होल्ड दिस पोस्चर। नाउ स्टार्ट बोथ लेग्स, दोनों लेग्स को पास में लाएंगे, होल्ड दिस पोस्चर। अब झूला लाना लुढ़का ना सब, ये मेरा थोड़ा होता नहीं है, संध्या मैम का बहुत अच्छी सूट है। ऐसे मेरी तो मैटिक है, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ जिनका होता है। श्रीकांत सर का बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड श्रीकांत सर। आई विल स्पॉटलाइट श्रीकांत पालीवाल सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। झूले नाला लुड़का ना सर, यस। पिंकी खनुजा मैम, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। हाँ, इस तरीके से देखो, गच्ची पे वर्कआउट हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपको देख के। मैडम इतने सुंदर सुंदर गमले लगा रखे हैं, यस, वेरी, बहुत बढ़िया। अब साइड आइड में झूलिए, इधर और उधर, झूलना ना लुढ़काना सही, ये हो गया झूलना। अब लुढ़किए, अब लुढ़किए, हाँ ऐसे, इधर और इधर, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। झूलना ना लुढ़काना सही, बहुत बढ़िया। कम से कम 5 मिनट तक लुढ़कीये, इस पे स्पाइन भी अच्छी हो जाती है इससे, मतलब 5 मिनट तो नहीं, 1-2 मिनट जितना भी आप करते, हाँ स्पाइन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आसन पे जाते हैं, सुप्त उद्राकर्षण। सुप्त उद्राकर्षण, दोनों हाथ, दोनों पैर ऐसा सीधा करिए, ऐसा दोनों हाथ पीछे लगाएंगे, ठीक है। ये पैर इधर जाएगा ऐसे और ये चेहरा उधर उस साइड, सुप्त उद्राकर्षण। अपोजिट साइड, मरकट आसन जैसा रहता है, मरकट आसन जैसा रहता है। फिर वापस पैर सीधे करें, पैरों को उधर ले गए इस साइड और देखना किधर है, इधर है। ये ट्विस्टिंग आसन है, इधर पैर करा इधर देखेंगे, ट्विस्टिंग आसन ये सुप्त उद्राकर्षण। रिलीज, अब ये पैर सीधा रखेंगे, ये वाला इस पैर को इधर लेके जाइए ऐसा, ये हाथ इधर टच करेंगे, ये हाथ ऊपर ऐसा जाएगा और देखना ऊपर, शव उद्राकर्षण, शव उद्राकर्षण। मैं आपके पोस्चर सही करती हूँ क्योंकि ये शायद गड़बड़ करेंगे लोग। हाँ पिंकी मैम को देखते हैं, पिंकी मैम, हाँ वेरी गुड।
मैम ये पैर पूरा पूरा जमीन पे टेक दीजिए, वो दूसरा पैर जो ऊपर है पूरा जमीन पे टेक दीजिए। हाँ अब ये आपका हाथ है पैर की तरफ वाला हाथ, ये इस पे घुटने पे टच करिए, घुटने पे टच करिए इसको। हाँ यस, वो हाथ ऊपर सीधा रखिए और उस हाथ की तरफ देखिए, उस हाथ की तरफ देखिए, शव उद्राकर्षण। यस ये पोस्चर होता है शव उद्राकर्षण का, अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा पोस्चर बनाया मैम ने, पिंकी खनुजा मैम, ग्रेट, वेरी गुड। कोमल मंडलोई मैम वीडियो ऑफ, पद्मा अरोड़ा मैम वीडियो ऑफ, स्वाति श्रीवास्तव मैम वीडियो ऑफ, पूजा प्रजापति मैम वीडियो ऑफ। वीडियो ऑफ करेंगे तो मुझे नहीं आएगा समझ में कि आप क्या कर रहे हैं। अपोजिट साइड में करेंगे, यस पिंकी खनुजा मैम अपोजिट साइड, शव उद्राकर्षण। हाँ यस, इस पैर को उधर लेके जाइए, पूरा जमीन पे टेक दीजिए उधर, वो वाले हाथ से इसको, हाँ वो वाले हाथ से इसको टच करके पूरे बॉडी को स्ट्रेट करिए, बॉडी को स्ट्रेट करिए। देखिए ये पॉस्चर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को देखो ध्यान से। ये मैंने बॉडी स्ट्रेट करी, अब मैंने ये पैर जमीन पर रखा, इस पैर को उठा के किधर रख दिया, इधर रख दिया। अब ये वाला हाथ मतलब जो पैर गया उसका अपोजिट हाथ इस पर रखा और बॉडी को स्ट्रेट किया, मतलब कंधे को उस साइड लगा दिया जमीन पर, और देखा किधर, उस हाथ पे। ये शब्द, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकासन, सबको मालूम है नौकासन, दोनों पैर सीधे करना है, हाथ पीछे, और बॉडी को लिफ्ट करना है ऐसे, और उस पोस्चर पे होल्ड करना है नौकासन। होल्ड द पोस्चर, रिलीज करें। ये थी हमारी सीरीज नंबर 2। अब सीरीज नंबर 3 में 7-8 आसन है, वो करवा के प्राणायाम कर। ये सीरीज आप पूरी रट लेना, ये वीडियो यूट्यूब पे चली जाएगी, अपलोड हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रज्जू कृष्णासन। रज्जू कृष्णासन, ये एक हाथ ऊपर एक हाथ इस घुटने पे, फिर ये घुटने पे दूसरा हाथ, ये हाथ ऊपर, इसको बोलते हैं रज्जू कृष्णासन। इनहेल व्हाइल रेजिंग द हैंड, एक्सहेल व्हाइल डाउनवर्ड। इनहेल व्हाइल रेजिंग द हैंड एंड एक्सहेल व्हाइल लोअरिंग द आर्म। जब आप अपने आर्म को अपने हाथ को नीचे रखेंगे तो सांस छोड़ देंगे, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए। शोल्डर ज्वाइंट को लूज करने के लिए बेस्ट आसन, जिनके शोल्डर ज्वाइंट टाइट है उसको लूज करने के लिए बेस्ट आसन रज्जू कृष्णासन। दत्यात्मक मेरु वक्रासन, ये दोनों पैरों में मैट जितना डिस्टेंस रखना है, ठीक है। ये हाथ को ऐसे रखिए शोल्डर के लेवल पे, इस हाथ से इस अंगूठे को टच करेंगे, हाथ ऊपर और आपको देखना होगा। प्रत्यात्मक मेरु वक्रासन, होल्ड द पोस्चर, आपकी निगाह उस वाले हाथ पे रहनी चाहिए, ठीक है। अब इस हाथ को वापस शोल्डर के लेवल पे लाके इस पैर की इस उंगली अंगूठे को टच करके, ये हाथ सीधा ऊपर और देखना किधर है, इस उंगली की तरफ, ये इंडेक्स फिंगर सीधा, गत्यात्मक मेरु वक्रासन। होल्ड द पोस्चर, आसन नंबर 2, पवन मुक्तासन सीरीज 3, ये थर्ड सीरीज का सेकंड आसन। रिलीज। चक्की चालनासन, आसन नंबर 3, पवन मुक्तासन सीरीज 3, इस तरीके से चक्की चलाएंगे, इससे पेट भी कम होगा, लेग्स की मसल स्ट्रांग होगी, स्पेशली जिनको वेस्ट लाइन ज्यादा है उनके लिए बेस्ट। चक्की चालनासन, हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, पीछे जाएंगे, शोल्डर मैट जितना दोनों पैरों में डिस्टेंस, 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज।
साइड। करेंगे नौका चालनासन, दोनों पैर पास में लेके आएंगे, दोनों हाथ ऐसे लेके जाएंगे, यहां पर पीछे लेके जाएंगे, वन टू। यहां पर आप इनर थाइस और आगे के पैर पर स्ट्रेच को महसूस कर रहे होंगे। नौका चालनासन, इनहेल वाइल लीनिंग बैक। जब आप पीछे जाएंगे सांस लीजिए, आगे आएंगे सांसों को छोड़ते हुए। इनहेल बाय लीनिंग बैक एंड एक्सहेल बाय बेंडिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त सांस को छोड़ते हुए आ जाना है। सांस लेते हुए जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस लेते हुए जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। सांस लेते हुए जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए। अपोजिट साइड। ये आपकी पेल्विस, पेल्विस मतलब ये हिप जॉइंट पे भी काम करता है, और ये आपके एब्डोमन पे, ये जिसको पेट बाहर है ना उसको ये वाला करना चाहिए नौका चालन। और मैं हर बार आपको इंडिकेट कर रही हूँ ये चीज। कॉन्स्टिपेशन है जिसको, मोशन नहीं होता है, मोशन की प्रॉब्लम है। डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वर्कआउट कर रहे हैं उनको ये कर लीजिए, जिनको मोशन की प्रॉब्लम है, जिनको मोशन नहीं हो रहा है, उनको कॉन्स्टिपेशन है, उनको नौका चला लेना चाहिए। चलिए अब करेंगे काष्ठ ठकनासन। दोनों पैरों को ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे रख लीजिए ऐसे, ठीक है। हाथ को ऊपर लेके जाना है, जैसे वो किसान को लाड़ी चलाता है ना, उसको बोलते हैं काष्ठ ठकनासन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलीज। नमस्कार आसन, दोनों पैरों को इस तरीके से नमस्कार मुद्रा। यहीं पर नमस्कार आसन, ऐसे नमस्कार करेंगे, होल्ड द पोस्चर, उसके बाद ऐसे होल्ड द पोस्चर। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी नमस्कार कर सकते, ठीक। वायु निष्काल आसन, दोनों पैरों के नीचे इस तरीके से हाथ रखेंगे ऐसे। अब उठना है ऐसे, यू वन टू थ्री फोर, नीचे फाइव सिक्स। जिसको भी गैस होती है ना, निकलती नहीं है गैस, उसके लिए सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन रिलीज। अब आप एक पोस्चर पे थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे ऐसे, पोजीशन पे होल्ड कर दीजिए। अब करेंगे कौवा चालनासन, लास्ट टू आसन, बस एक आसन और हो जाए ये। ऐसे पंजे पे बैठेंगे ये, और उसके बाद ये पैर आगे जाएगा, ये पैर ऐसे पंजे पे, पूरा पैर टिकना नहीं, और ये हाथ ऐसा, ये हाथ ऐसा, फिर ये हाथ इधर जाएगा, ये हाथ ऐसा, ये हाथ ऐसा, फिर ये पैर इधर जाएगा, ये हाथ ऐसा, ठीक है। ये होता है, एक बार और करेंगे, मैं करके बताती हूँ। एक पैर ऐसा, एक पैर ऐसा, ये है पंजा, पंजे पे खड़ी हूँ, फिर ये पैर नीचे रखेंगे, ये पैर ऐसा पंजे पे, ये हाथ ऐसा,
है, फिर ये पैर नीचे, ये हाथ ऐसा, अंडरस्टैंड? कौवा चालनासन बोलते, कौवा चालन। लास्ट आसन, पवन गुप्तासन सीरीज 3, आसन नंबर 9। ऐसे पैर को यूं मोल्ड करके ऐसे रख लीजिए, उत्तराकर्षण, उद्राकर्षण आसन। ये लास्ट है। अब ये पैर ऐसा, ये पैर ऐसा, और ये हाथ इधर और चेहरा इधर, पीछे की साइड। जो हाथ आपने ऐसा रखा है उस साइड पीछे चेहरा कर लेंगे, उद्राकर्षण। ये पैर अगर आप ऐसा रखेंगे, ऐसा यूं घुमा के ऐसा, और अगर ये हाथ, ये पैर ऐसा रखेंगे, यहां पर हाथ रखेंगे तो ये ऐसा। ये पैर को पोजीशन देखिए आप, इस पैर की पोजीशन ये है, पीछे का रिलीज। तो दिस इज ऑल अबाउट पवन मुक्तासन सीरीज। आई प्रॉमिस यू, मैंने आज आपको बताया था कि मैं एक सीरीज करवाऊंगी। अब हम करेंगे, हमारे पास समय कम है, प्राणायाम के एक प्राणायाम को ऐसा भी करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, डीपिंग एयर एंड एक्सहेल। गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए, गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी बाई नासिका से 50 बार एक्सहेल में, अपने बाएं नासिका को प्रेस करके अपने दाएं से 50 बार एक्सहेलिंग। जिनकी वीडियो ऑफ है कृपया करके वीडियो ऑन कर लीजिए। यहाँ पर प्रेस करके, बाएं नासिका को प्रेस करके दाएं नासिका से 50 बार एक्सहेलिंग। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अपनी दाई नासिका को प्रेस करिए, बाएं से सांस लीजिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए, बाएं से, ठीक है? ये
कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सूर्योदय हो रहा है। इमेजिन करिए हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के पीछे से सूर्योदय। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, अपनी भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित। धीरे से अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र, गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करेंगे। अब अपने ध्यान को अनाहत चक्र, हार्ट पर, अनाहत चक्र अपने हृदय चक्र पर केंद्रित करेंगे। एक साथ गायत्री मंत्र, भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक साथ अपने हस्तमुद्राओं का घर्षण करेंगे। जोर से अपने हस्तमुद्राओं का घर्षण करिए। को अपने गाल पर, पर, अपने नाभि पर, अपने पैरों पर, अपने सिर पर लगाकर धीरे धीरे अपने प्रणाम करेंगे। प्रागे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गौरी सात प्रभाते कर दर्शन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, और इसी कामना के साथ आज के दिन की शुरुआत। सो होप यू एंजॉय टू जय पवन मुक्तासन सीरीज 1 2 3। और आज आपको बहुत सारे आसन करवाए और आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी को अनम्यूट करूंगी। चय पचय तंत्र से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक अच्छे पाचन तंत्र की क्या निशानियां होती हैं, आपका अच्छा पाचन तंत्र है इसके क्या निशानी होती है। तो मैं सभी को अनम्यूट करूंगी। आपको बोलना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और एक व्यक्ति का पाचन तंत्र अच्छा है इसकी क्या क्या इंडिकेशन होती है कि उसका पाचन तंत्र अच्छा है, वो व्यक्ति का पाचन अच्छा है। आप कैसे बोल सकते हो इसका पाचन तंत्र अच्छा काम करता है। तो यस, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। एनीबॉडी आंसर दीजिए। आप जो खाना खाते हैं, यस आप जो खाना खाते हैं जी सर। उसका पाचन हो जाए, मीन्स हजम हो जाए, हाँ उसके लिए कुदरत ने जो ऑर्गन्स दिए हैं उसको पाचन तंत्र बोलते हैं। तो जी उसमें आप दो बार खाना खाते हैं तो दो बार वो हजम होके उसका जो भी मल है वो निकल जाना चाहिए, दो बार जाना चाहिए आपको संडास। तो ऐसा जब जिसका होएगा उसका पाचन तंत्र एकदम परफेक्ट है। अच्छा अच्छा तो यस
ये सर ने बोला कि मोशन प्रॉपर होना चाहिए, 2 बार मोशन होना चाहिए दिन भर में, मतलब पाचन तंत्र परफेक्ट है। अब मेरा पाचन तंत्र, मैं 2 बार किसी कोई एक ही बार जाता है मान लो, आप उसका चेहरा देख के और उसका पेट देख के और शरीर देख के कैसे बता सकते हो इसका पाचन तंत्र स्ट्रांग है और इसका पाचन तंत्र कमजोर है? इसकी क्या इंडिकेशन है? हाउ कैन यू जज अ पर्सन विथ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बैड डाइजेस्टिव सिस्टम? ओपन एंडेड क्वेश्चन टू ऑल। क्या इंडिकेशन है? चेहरा कैसे देख, चेहरा अगर मैंने सिर्फ इतना इतना चेहरा देखा तो मेरे मन में कुछ आएगा उसके प्रति, है ना? तो मैं चेहरा देख के कैसे बता सकती हूँ कि इसका पाचन तंत्र स्ट्रांग है और इसका पाचन तंत्र, या मैं शरीर देख के, मैंने बाहर से जिसका देख। जिसका जिसका पाचन तंत्र अच्छा होता है उसका चेहरा एकदम चमकता दमकता होता है, फूल गुलाबी होता है, और जिसका नहीं है उसको एकदम फीका मुरझाया रहेगा, सा काला मुरझाया। मुरझाया हुआ, हाँ बिल्कुल और सही। दूसरा उसकी आंखों के आजू बाजू में डार्क सर्कल होंगे, तो समझने का कि इसका पाचन तंत्र भी अच्छा नहीं और नींद भी नहीं आती उसको। नींद भी नहीं आती, सही बात है। चेहरा देखे, और आपने देखा होगा किसी का पेट बाहर रहता है ना, नीचे का लोअर एब्डोमिनल एरिया बाहर रहता है, तो वो भी बैड डाइजेस्टिव सिस्टम को इंडिकेट करता है। चेहरे में जो जिसके पिंपल्स आ जाते हैं, है ना, मतलब चेहरे में पिंपल्स आना आपके खराब पाचन तंत्र को इंडिकेट करता है, यानी आप जो खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, वो पिंपल्स आ रहे हैं। या तो, और किसी के पिंपल्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, मतलब पूरी पराठा ये सब ज्यादा खाते हैं तो उनको पिंपल्स उठने लग जाते हैं। तो पिंपल्स अगर हमारे शरीर में भी उठ, यानी कि हम बहुत दूध के धुले हुए, हमें भी पिंपल्स उठ जाते हैं, उस समय हमें एकदम लगता है कि हमने कल पूरी खाई थी इसलिए हमारे पिंपल्स हैं, है ना? ऐसा होता है कई बार। तो पाचन तंत्र का इंडिकेशन जो है चेहरा है, बिल्कुल सही है। जिसका ग्लोइंग चेहरा होता है उसका पाचन तंत्र सही है, ये आप फिजिकली कर सकते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति सदा टेंशन में रहता है, हमेशा उसका चेहरा देखोगे आप, हमेशा ऐसा लगता है किसी ने मार दिया उसको, है ना? किसी भी कारण से वो हमेशा टेंशन में रहता है, क्योंकि योर गट इज योर सेकेंड ब्रेन। आपका जो इंटेस्टाइन होता है बड़ी आंत, वो आपका दूसरा दिमाग होता है, और वही खराब है उसका उसकी जो गट है, जो ब्रेन है, उसमें खराब बैक्टीरिया है, क्योंकि उसका पाचन तंत्र खराब है, उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें मल जमा है, तो उसका दिमाग भी हमेशा सड़ा हुआ रहेगा, वो हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचेगा, है ना? और वो हमेशा कंप्लेंट मोड में रहेगा, वो दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की चुगली करने में, और खुद भी टेंशन लेगा और दूसरे को भी टेंशन देगा, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन कभी नहीं छोड़ेगा, वो किसी को पॉजिटिव करने वाली चीज कभी नहीं बोलेगा। तो ये भी पाचन तंत्र, मतलब या बोल सकते हो कि ये व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है, दूसरे व्यक्ति को हमेशा टेंशन देता रहता है और कंप्लेन मोड में रहता है हमेशा, और तो समझ लो कि उसका पाचन तंत्र खराब है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र शुरू कहाँ से होता है? जब हम भोजन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? मुख यस, से मुख से, मुंह से, बिल्कुल सही बात है। अवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ, सबसे पहले मुंह में हम खाना लेते हैं, और इसीलिए बोलते हैं टीवी देखते देखते खाना मत खाइए, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे फूड पर होना चाहिए, जो आहार हम ले रहे हैं उस पे हमारा ध्यान नहीं रहता है, हमारा टीवी पे ध्यान रहता है, तो हमारे मुंह सही से जो सलाइवा सिक्रेट होना रहता है वो ही प्रॉपर सिक्रेट नहीं होता और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। उसके बाद ये होती है और रसादार। यस सर, हमको निवाला निवाला 32 टाइम्स चबाने का, और फिर बाद में एकदम पानी जैसा हो जाएगा बाद में ही नीचे उतारने का। यस, 32 बार, 32 दांत इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि धीरे धीरे आपको चबा के भोजन करना है ना? इसलिए 32 दांत दिए हुए हैं कि 32 बार चबाओ उसके बाद अंदर डालो। दूसरी चीज इसका ये है कि जो लोग धीरे धीरे खाते हैं उनका कम खाने में पेट भर जाता है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं हरिद्वार गई थी, वहां श्रीराम शर्मा आचार्य जी के आश्रम में रही मैं 3 दिन, मैंने उनकी की बुक्स पढ़ी, उन्होंने स्वास्थ्य और आहार के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी है, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत सारी बुक लिखी है, उन्होंने ये सबसे पहली बात लिखी कि व्यक्ति कभी भी भूखा रहने से नहीं मरता,
व्यक्ति मरता है ज्यादा खाने से। एक व्यक्ति को अगर 40 दिन तक भी भोजन ना दिया जाए तो कभी मरेगा नहीं, पर एक व्यक्ति को यदि ज्यादा खाना दे दिया जाए तो 10 दिन में ही मर सकता है। है। मतलब कम खाना कभी भी डेंजरस नहीं होता और ज्यादा खाना हमेशा डेंजरस होता है, हमेशा डेंजरस होता है। दूसरी चीज उन्होंने बोली, सबसे पहले आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले पानी का इंटेक अच्छा रखना है। सेकंड इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सबसे ज्यादा फल और सब्जियों का सेवन करिए, उसके बाद सब्जियां खाइए, फिर बचे हुए जो बचा स्टमक खाली है उसके अंदर आप क्या करेंगे, रोटी डालेंगे। मतलब रोटी को लास्ट रखना है, सबसे पहले क्या करना है, फ्रूट्स खाना है, फल खाना है, सब्जियां सेकेंड नंबर पे खाना है, दालें दलहन मूंग की दाल वगैरह। और दालों की भी रेंज है, जैसे मूंग की दाल टॉप मोस्ट पोजिशन पे आती है एज पर योग, ग्रीन मूंग दाल को टॉप मोस्ट पोजिशन दी गई है, अरहर की दाल को नीचे की पोजीशन दी गई है। तो अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं तो मूंग की दाल, प्रेफरेबली ग्रीन मूंग दाल, छिलके वाली मूंग दाल को पोजीशन के ऊपर ऊपर रखिए, उसके बाद अरहर की दाल को नीचे रखिए, ये भी रेंज है। तो ये चीज आपको आधा पेट खाली, आधे पेट में पानी और 1/4 पेट जो है हवा, मतलब आधा पेट भरा हुआ आधा पेट खाली, उसमें 1/4 पेट में पानी और 1/4 पेट में हवा भरी हुई होनी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बड़े बड़े संत जो मैं जिनको स्टडी करती हूँ सब बोल के चले, हजारों साल पहले बोल के चले गए। और हम क्या करते हैं, हम इसको कूड़ादान बना लेते हैं, है ना। हम कूड़ादान कैसे बनाते हैं, हम रोटी भी खा लेते हैं, सब्जी ऊपर से दही भी खा लेते हैं, फिर आइसक्रीम भी खा लेते हैं, फिर पिज्जा भी खा लेते हैं, और बचे हुए बची हुई जगह में चलो यार कॉफी पी के आते हैं। मतलब आपने कूड़ादान बना दिया अपने स्टमक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर इम्प्रूव रखना है तो सबसे पहले पानी का इंटेक, फलों का इंटेक, सब्जियों का इंटेक, जो लोग कम सब्जियां खाते हैं उन्हें अच्छी खासी सब्जियां खानी है ताकि उनका डाइजेशन अच्छा हो। दूसरी चीज है छिलका जो होता है सब्जियों का, इस उस बुक में ये लिखा हुआ है कि जो चीज सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है वो चीज खाने में आपकी बॉडी में भी इम्यूनिटी जागृत होती है। जैसे किसी भी फल का छिलका उस फल को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है ना। तो वो छिलका जब आप खाते हो आपको भी वही इफेक्ट देता है, कौन सा, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला। हम क्या करते हैं, एप्पल खाते हैं, एप्पल का छिलका निकालते फेंक देते हैं, जो भी खाते हैं उसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं। तो जो चीज का फंक्शन क्या है, उसका एप्पल के छिलके का फंक्शन क्या है, एप्पल का छिलका सनलाइट से उस एप्पल को प्रोटेक्ट करता है। अगर छिलका निकाल के आप एप्पल को जमीन पे रख दोगे एप्पल काला पड़ जाएगा, पर छिलका उस एप्पल को प्रोटेक्ट करता है। तो वही चीज अगर आप ऊपर अपने शरीर में डालते हो तो वो शरीर भी आपके, वो फूड आपके, जो वो बाहर काम करता था वही आपके शरीर में काम करता है, दैट इज प्रोटेक्शन का वर्क, ठीक है। इसलिए छिलका खाना। अब आप बोलोगे कि इतना केमिकल आ रहा है हम छिलका कैसे खाएं, तो आप जब भी कोई भी शॉपिंग करते हैं ईट लोकल ईट सीजनल, लोकल फूड परचेस करिए, लोकल फ्रूट परचेस करिए, जैसे जाम है, एप्पल जो शिमला वाला एप्पल आता है, जो देसी एप्पल आता है, वॉशिंगटन डीसी का मत खरीदिए जो वैक्स पॉलिश आता है उसका आप छिलका खाइए। आम अगर लोकल आपको, अभी जैसे आम का सीजन तो चला गया, लोकल मिला तो आम भी छिलके सहित खाइए। जितना छिलका खाओगे उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा और आप अपने वेट को मैनेज कर पाओगे। और अगर आप लोकल सब्जियां खरीदते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां भी आजकल मिलती है, तो उनकी शेल को ज्यादा मत निकालिए, क्योंकि वो शेल ही है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, और वो शेल ही है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, देन स्टमक में आपका बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उन एंजाइम्स को सिक्रीट करने के लिए ये जो सीरीज आपको बताई गई है, पवन मुक्तासन सीरीज जो आज मैंने पूरी करवाई है, उस सीरीज को आप करिए, अल्टरनेट डे करिए। एलोवेरा जेल, आप सभी जानते हैं मैं एलोवेरा जेल पीती हूँ, अभी ये मैं बता देती हूँ। एलोवेरा जेल ये रखा, एलोवेरा जेल देखिए, ये इट वर्क्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। जिनको भी वात पित्त और कफ कफ से रिलेटेड रोग हैं उनको एलोवेरा जेल स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। नहीं है तो भी, क्योंकि इससे क्या होगा, स्किन भी इम्प्रूव हो जाएगी आपकी, स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा। दूसरा प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जब आप खाते हो तो मैंने क्या बताया, योर ब्रेन इज योर, योर गट इज योर सेकेंड हार्ट। तो जब आप प्रोबायोटिक खाते हो
प्रोबायोटिक नेचुरल प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक केला होता है, केले का सेवन करिए, कोकोनट ऑयल का सेवन करिए, जो ऑयल होता है कोकोनट का ऑयल उसका सेवन करेंगे, और दही का सेवन करिए, दही रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए, और उसको रेगुलर सेवन करने से आपकी गट की हेल्थ इंप्रूव होगी। और दही अगर अवेलेबल नहीं है, और दही से भी अच्छा अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो स्टार्ट प्रोबायोटिक, वन सेशे प्रोबायोटिक, आस्क योर कोच, आपके कोच से बात करेंगे, और एक सेशे प्रोबायोटिक रेगुलर बेसिस पे लेना चालू करेंगे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी बात जो मैंने बताया कि जो फंक्शन वो पौधा बाहर करता था, वो फंक्शन आपके पेट में तभी कर पाएगा जब उसके वो पार्ट को आप अंदर लेंगे। आप छिलका ही फेंक देंगे तो वो प्रोटेक्शन का काम आपके शरीर में कुछ नहीं होगा, अंदर का गूदा प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। वैसे ही हमारे शरीर में फाइबर का इंटेक इंप्रूव करने के लिए हमें फाइबर कॉम्प्लेक्स, फाइबर टैबलेट, सेलुलोज टैबलेट एंड बीटा हार्ट, ये चार प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो आप अपने कोच के द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं और उनको ले सकते हैं। उनसे आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है, और जिनको भी पेट कम करना है, जो चाहते हैं हमारी स्किन ग्लो करे, स्किन ग्लो करे, फाइबर खाइए, फाइबर कॉम्प्लेक्स खाइए, बीटा हार्ट खाइए, फाइबर टैबलेट खाइए, सेलुलोज टैबलेट खाइए, स्किन पे ग्लो आएगा, क्योंकि फाइबर जाएगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, चयापचय तंत्र इंप्रूव होगा, मोशन प्रॉपर होगा, मोशन प्रॉपर होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। योर स्किन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर गट हेल्थ, जिसकी गट जितनी अच्छी उसकी स्किन उतनी अच्छी। तो बोलते हैं ना, स्किन शाइन करती है, तो स्किन उसी व्यक्ति की शाइन करती है जिसका पेट, जिसकी बड़ी आंत सही रहती है। और पेट को सही करने के लिए जो मैंने आपको बताया, एलोवेरा टैबलेट, एलोवेरा जेल, प्रोबायोटिक, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, सेलुलोज टैबलेट, बीटा हार्ट, और एक और चीज रह गई है, एक और कुछ मुझे याद नहीं आ रही, मैं बोलना बोलूंगी। तो ये पांच छह चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है। एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू डाइजेस्टिव हेल्थ आप पूछ सकते हैं। जिसकी कोई डाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, जिसको कोई समस्या हो, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कि मुझे हमेशा गैस बनती रहती है, या आपको कभी मोशन नहीं होता है, या किसी किसी को मोशन बार बार होता रहता है, तो वो आप अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ कोई नए मेंबर हैं अभी? यस, नम्रता मैम, संगीता मैम, केला, केला यस सर, से छिलके के साथ खाएं, केला छिलके के साथ के। बिल्कुल, केला, केला छिलके के साथ खाइए, देखिए बहुत अच्छा रहता है, पर उसकी शेल को थोड़ा वॉश कर लीजिए, छिलका खाने से हमेशा फायदा। किरण दलाल मैम, हीना मैम, रूपाली मैम, भारती गुप्ता मैम, वीएसके सेजल मैम, मनीषा सोनी, अंतिम रत्नावत, अंजू मैम, शिखा सिंह, फातिमा बी, इनके सबके वीडियो ऑफ है। संजू मैम, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू यू, आप अपने वीडियो ऑन रखिए, तो उससे हमें अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है, और आपको खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यस मैं मैडम आपके वेलनेस वाले ग्रुप को होस्ट बना रही हूँ, यस, है ना? ओके, ओवर टू यू जीनत मैम, जीनत मैम आएंगी और आपको वर्कआउट कराएंगी। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, होप यू एंजॉय टुडे सेशन। यस मैम, ओवर टू यू, यस मैम, स्पॉटलाइट करेंगे। ठीक है।